ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों को मेरा सादर नमस्कार। माघ माह की पूर्णिम तिथि कब है आज हम इसके बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग यदि मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए जानते हैं माघ माह की पूर्णिमा कब है, शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और कुछ खास उपाय जो माघ पूर्णिमा पर करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। माघ माह की पूर्णिमा तिथि बेहद खास मानी जाती है। वैसे तो हर महीने की पूर्णिमा पूजा पाठ के दृष्टिकोण से खास मानी जाती है, लेकिन माघ मास की पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व है। इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। साथ ही यह दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के लिए भी विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन देवतागण पृथ्वी लोक पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस दिन गंगा स्नान और दान करने से देवगण प्रसन्न होते हैं। माना यह भी जाता है कि इस दिन देवतागण गंगा में स्नान करते हैं। तो आइए जानते हैं माघ मास की पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान का महत्व। माघ पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त। माघ मास की पूर्णिमा तिथि 23 फरवरी 2024 को दोपहर 3:36 से शुरू होकर अगले दिन यानी 24 फरवरी को शाम 6:03 पर समाप्त होगी। उदय तिथि को देखते हुए माघ पूर्णिमा 24 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। इस दिन स्नान दान का शुभ मुहूर्त सुबह 5:11 से लेकर सुबह 6:02 तक है। माघ पूर्णिमा की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करना चाहिए। यदि गंगा स्नान संभव ना हो तो पानी में गंगा जल मिलाकर भी स्नान कर सकते हैं। स्नान के उपरांत ओम नमो नारायण मंत्र का जाप करते हुए अर्घ दें, फिर तिलांजलि देने के लिए सूर्य की ओर मुख करके खड़े हो जाएं और जल में तिल डालकर उसका तर्पण करें। इसके बाद पूजा प्रारंभ करें। भोग में चरणामृत, पान, तिल, मोली, रोली, कुमकुम, फल, फूल, पंचगव्य, सुपारी, दुर्वा आदि चीज़ें अर्पित करें और सबसे अंत में आरती और प्रार्थना करें। पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का महत्व। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माघ माह में देवता पृथ्वी पर आते हैं, इसलिए इस दिन स्नान दान का विशेष महत्व है। कहते हैं स्नान गंगा स्नान और दान करने से व्यक्ति के सभी पाप कट जाते हैं। शास्त्रों के अनुसार जो साधक माघ माह में संगम नदी के किनारे रहकर व्रत और संयम के साथ स्नान ध्यान करते हैं उनके लिए माघ मास की पूर्णिमा बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि इस दिन वे लोग अपने कल्पवास की परंपरा को पूर्ण करते हैं। इस दिन प्रयागराज में गंगा स्नान करना भी बहुत शुभ माना जाता है। इससे व्यक्ति की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। माघ पूर्णिमा के दिन कुछ ऐसे उपाय करने चाहिए जिनसे कि मनवांछित फल की प्राप्ति हो। माघ पूर्णिमा पर चंद्रमा और धन की देवी माँ लक्ष्मी की पूजा का विशेष विधान है। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से सुख समृद्धि धन वैभव की प्राप्ति होती है।
साम्राज्य का विस्तार होता है। चूँकि माँ लक्ष्मी धन की देवी है, समृद्धि लाती हैं। साथ ही माघ पूर्णिमा पर रात में चंद्रोदय के समय चंद्रमा की पूजा करने से चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। तो जो भी व्यक्ति माघ पूर्णिमा के दिन स्नान ध्यान करे, खास करके दान पूर्ण करे, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमो नारायणाय।